हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अमित रो और आप देख रहे हो अमित चेक ऑल यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया आप एक हो गया है, एक होकर VI के नाम पे अब इनका ऐप लॉन्च हो गया है। तो अगर आप अभी वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम यूज़ कर रहे हो और आपको रिचार्ज करना है, तो आपको VI की वेबसाइट से या फिर VI ऐप को डाउनलोड करके उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देखने वाला हूँ कि किस तरह से VI ऐप को यूज़ करते हैं, किस तरह से उससे रिचार्ज करते हैं, प्लान एक्टिविटी को चेक करते हैं, किस तरह से अदर सिम को रिचार्ज करते हैं, किस तरह से करंट प्लान को चेक करते हैं, वो मैं सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे ही न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे मिले जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ। तो चलिए, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से VI ऐप को डाउनलोड करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर में VI लेके सर्च करोगे तो इस ऐप को आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगी मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करके ही आप इस ऐप को डाउनलोड करो। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, योर अपडेट इज रेडी, इसको ओके करो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपके पास आइडिया का नंबर है तो आइडिया का नंबर, और वोडाफोन का नंबर है तो वोडाफोन का नंबर। तो सिंपली मैं यहाँ पर मेरा वोडाफोन का नंबर एंटर कर देता हूँ। नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वोडाफोन एंड आइडिया और नाउ VI यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये सब आपको पार लेना है। ऑल दैट गेट्स बेटर, मतलब अभी जो वोडाफोन आइडिया एक हो गया है तो आपको नेटवर्क भी अच्छा मिलेगा। तो सिंपली अभी आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई देगा ऐप में क्या क्या नया क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सिंपली आपको इसको स्किप करना है। स्किप करने के बाद तो इस तरह का इस ऐप का कुछ इंटरफेस है। तो ऐप के सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका एक्टिव प्लान्स, जो आपके प्लान्स अभी एक्टिव है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर कोई प्लान एक्टिव नहीं है, इसलिए नो एक्टिव पैक दिख रहा है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्विस बैंड, मतलब मेरे इनकमिंग और आउटगोइंग सर्विस अभी बंद है। तो यहाँ पर रिचार्ज नाउ पर क्लिक करके मैं सिंपली यहाँ से रिचार्ज कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्विक रिचार्जेस पर क्लिक करके यहाँ पर भी मैं जैसे भी मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको अपने प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है। और यहाँ पर आपको रिचार्ज फॉर अदर्स, मतलब यहाँ पर क्लिक करके आप अदर्स मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर सकते हो। तो सिंपली जिस मोबाइल नंबर को आपको रिचार्ज करना है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पैक्स दिखाई देगा, किस पैक को आपको रिचार्ज करना है, जैसे आपको पैक को सिलेक्ट करना है। पैक को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अभी पेमेंट पेज पर लेके जाएगा, जैसे आप रिचार्ज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग के जरिए आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल और यहाँ पर पे बिल्स फॉर अदर्स, मतलब आप पोस्ट पेड का भी यहाँ पर बिल पे कर सकते हो। यहाँ पर VI मूवीज़ पर क्लिक करके VI मूवीज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो। यहाँ पर अपग्रेड टू पोस्ट पेड, अगर आपका प्रीपेड सिम है तो यहाँ से आप पोस्ट पेड पर भी अपग्रेड कर सकते हो। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अभी यार आप अपने प्रोफाइल को देख सकते हो, जैसे आप अपने प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप आपको अगर आपके पास वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम है तो आपको आप अभी अगर आप नया सिम परचेस करेंगे तो आपको VI सिम मिलेगा, क्योंकि आप इनका नाम चेंज करके VI हो गया है। तो इसी तरीके से आप अपने वोडाफोन या फिर आइडिया सिम को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।